लैंगिक कठोरता या इरेक्शन अचीव करने के 6 आसान तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नंबर 1, मेडिकेशन। देखिए, यदि स्टिम्युलाय बराबर है, सेक्सुअल डिजायर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा हो रही है मगर इरेक्शन नहीं आ रहा है, वो ज़्यादातर बॉडी के कारण हो सकता है। बॉडी अपनी परफेक्ट नहीं है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से हो सकता है। बेस्ट वे है कि आप सिल्डेनाफिल, टाडानाफिल ले लो। तो नंबर 1, दवाइयाँ। नंबर 2, फोर प्ले पे आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फोर प्ले में क्या होता है कि आपका हेड वो खेल में आता है, वो गेम में आता है। नहीं तो क्या होता है कि आपका उद्देश्य है कि बस वजाइनल सेक्स करो, इंटरकोर्स करो, वो दिमाग में है तो फिर प्रॉब्लम होता है। फोर प्ले में आपका दिमाग जो है वो वहाँ आता है, आप कंप्लीटली रिलैक्स होते हो, दिमाग से मतलब तंदुरुस्त रहते, फिट रहते, रिलैक्स रहते हैं, और फिर वहाँ से फिर एक 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 स्टिम्युलाय आते जाता है। तो नंबर 2 है कि भाई फोर प्ले पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। देखो, सेक्स में यात्रा महत्व की है, ना कि पहुँचना वहाँ, क्योंकि जब आप फोर प्ले करते हो तो उसमें भी बहुत लोगों को ऑर्गेज्म आ जाता है। नंबर 3, लाइफस्टाइल चेंजेस। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? नींद बराबर हो रही है? एक्सरसाइज ठीक कर रहे हैं? डाइट ठीक ले रहे? क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल जो है वो यदि गड़बड़ वाली है तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। 6 से 8 घंटे की नींद, हल्का फुल्का डाइट और रेगुलर 40 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नंबर 4, अल्कोहल, शराब और स्मोकिंग दोनों भी प्रॉब्लमेटिक है। दारू और स्मोकिंग, तंबाकू, सिगरेट पीना या खाना दोनों भी प्रॉब्लमेटिक है, तो ये बंद करना चाहिए। नंबर 4। नंबर 5, ओपन कम्युनिकेशन विद वाइफ या विथ योर पार्टनर। आप क्लियर कट बोल देते कि ऐसा ऐसा है, मेरे ऊपर तान है, मेरे ऊपर दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, जमेगा नहीं, होगा नहीं, जो भी कुछ है, क्योंकि वो डिमांड करे, आपकी इच्छा नहीं है, आपको बहुत प्रेशर है तो करने का नहीं है। और ओपन कम्युनिकेशन करना जरूरी है कि भाई आपको कहाँ हाथ लगाए तो अच्छा लगता है, आपको स्टिमुलेशन कहाँ अच्छा लगता है, आपके इरोजेनस जोन कौन से, उसके कौन से जोन्स हैं, आपने उसको कहाँ टच करना चाहिए। ऐसा आप करते हैं, म्यूचुअली एक्साइटमेंट होती है और आपको अच्छा सुख मिलता है। सी योर डॉक्टर। यदि आपसे ये अच्छा नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, जिसमें जो बाकी बाद में जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार पुरानी बीमारी हो गई तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। तो जल्दी ही जब प्रॉब्लम आता है तो तुरंत उसका इलाज जरूरी है। आप आपके डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।